हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वंदना पुरी और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल नो योर सिटी में। और चलिए आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप रुड़की में कहीं घूमना चाहते हैं, आप रुड़की में रह रहे हैं और आप रुड़की में घूमना चाहते हैं, आपकी कोई दोस्त, आपकी कोई जानने वाले आए हैं आपके घर और आप उनको रुड़की में घुमाना चाहते हैं, तो आप रुड़की में उनको ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप उनको घुमा सकते हैं? फैमिली के साथ यहाँ पे आईआईटी रुड़की, वो तो सब जानते हैं। गंग नहर, वहाँ पे जाके आप बैठ सकते हैं। हमारी रुड़की में है गंग नहर, जहाँ पे हम अपने फ्रेंड के साथ चिल आउट कर सकते हैं। पार्क्स है, गार्डन है और हमारे यहाँ पे आईआईटी सबसे फेमस जो होता है वो है, और बहुत सारी कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज। और हम यहाँ पे आके अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। रुड़की में सिर्फ एक सोलानी पार्क है एंड आईआईटी रुड़की, जिसके लिए रुड़की फेमस है। बाकी एज सच कोई इतनी फेमस जगह नहीं है रुड़की में, क्योंकि रुड़की छोटा सा शहर है लेकिन बहुत सुंदर शहर है। हमारा रुड़की बहुत ही प्यारा शहर है, यहाँ पर छोटा होने के बावजूद सब चीज़ अवेलेबल है। हमारा रुड़की में आप ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, मार्केट भी है बराबर में, चीज़ की मार्केट है, शॉप है, गारमेंट्स है, सब चीज़ की है। फॉर सिंपल वॉक यूजुअली द स्टूडेंट ऑफ रुड़की गो टू कनाल एट नाइट, देयर इज अ शावर एंड देयर इज अ लाइटिंग इन द ब्रिज, सो दे हैंग आउट देयर, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू ईट ऑल्सो। एंड द सेकेंड थिंग इज देयर अ फ्यू मीटर अवे फ्रॉम रुड़की देयर इज अ पार्क, इज कॉल्ड सलोनी पार्क, बहुत अच्छा है। इट इज़ लाइक इन द मिडल ऑफ रिवर देयर इज अ पार्क, सो यू गेट अ गुड सनसेट व्यू, अच्छा है। एंड देन उससे दूर जाओगे तो बहुत पार्क्स, फ्लावर गार्डन्स बहुत है इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट, बट एग्जैक्टली आई फॉरगॉट द नेम्स, बट सलोनी पार्क बहुत अच्छा है। अभी तक तो मेरे को सिविल लाइन ही पता है, तो सिविल लाइन ही बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आप बेस्ट आउटिंग वगैरह के लिए। सोनाली पार्क एंड आईआईटी रुड़की, हम आईआईटी जा सकते हैं या फिर हम कोई पार्क जा सकते हैं, रामनगर में है या सोनाली पार्क। आईआईटी आईआईटी रुड़की ही, इसके अलावा तो कोई यहाँ ऐसी जगह नहीं है जहाँ। यहाँ पे बस होटल्स वगैरह है, जैसे प्रकाश होटल, वहाँ पे हम फैमिली के साथ जा सकते हैं। ऐसा यहाँ बेसिकली कुछ नहीं है, लेकिन कुछ सब होटल्स हैं, वहाँ पे आप डिनर करने जा सकते हैं बस। सोनाली पार्क है, फैमिली के साथ जा सकते हो। आईआईटी है, घूम सकते हो वहाँ पे भी आप। ज़्यादातर तो लोग नहर के किनारे शाम के टाइम बैठना पसंद करते हैं फैमिली के साथ, और थोड़ा बहुत कुछ यहाँ चौपाटी है, यहीं पर आते हैं सब लोग, खाते हैं और फैमिली के साथ थोड़ा बहुत, यहाँ पीछे पार्क भी है वहाँ बैठ जाते हैं। रुड़की में सोनाली पार्क है और हमारा आईआईटी है, आईआईटी में तो बहुत सुंदर सुंदर जगह है घूमने लायक, फैमिली के साथ जा सकते हैं। ऐसे तो घूमने के कुछ है लगता तो है नहीं मुझे फिलहाल यहाँ पे, और बाकी कुछ थोड़ी सी नहर नूर है, ये थोड़ी साफ सुथरी है और बाकी फिलहाल ठीक ही है। ऐसे तो कोई खास नहीं है, बस क्या है कि जस्ट छोटा सा या सोनाली पार्क है, अगर इसको अच्छी तरीके डेवलप कर दिया जाए तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा लोगों को यहाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा आकर्षण का केंद्र तो है ही। हाँ, सोनाली पार्क में लोग आ जाते हैं, नहर के आसपास बैठ जाते हैं थोड़ा सा। एक तो यही है जहाँ हम बैठे हैं, एक मॉल है यहाँ पर और काफ़ी घूमने मतलब पार्क भी है सिविल लाइन की तरफ है, आगे जाके भी पार्क है, क्लियर है यहाँ पर। मेन रुड़की में खास ये है तो आईआईटी है मेन, वहाँ पे अंदर बहुत सारे स्पॉट मिलेंगे आपको। दूसरा पटियाला लस्सी है और ये जो नहर का कैनाल रोड है पूरा, कैनाल रोड, और प्रकाश स्वीट्स हो गया, प्रकाश होटल हो गया, मिल्क बार हो गया, सोलानी पार्क है पूरा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं रुड़की में, बहुत अच्छी जगह, चौपाटी है वहाँ पे, बहुत सस्ता और बहुत अच्छा फ्रेश खाने पीने के लिए है, सब चीज़ है। तो दोस्तों, जैसे अभी अभी रुड़की सिटीजन्स ने आपको बताया, यदि आप अपनी फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदार और सगे संबंधियों के साथ में कहीं घूमना चाहते हैं, रुड़की में विजिट करना चाहते हैं किसी अच्छी लोकेशन पर, किसी बेस्ट प्लेस पर, तो आप कहां पर कर सकते हैं, तो आप उनके बताए अनुसार आप उन अच्छी जगहों पर विजिट कर सकते हैं और अपना समय अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को दे सकते हैं और आप उनके साथ में आनंद उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल नो योर सिटी, और फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, एक नए विषय पर, एक नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।